राजधानी भोपाल में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर सांकेतिक हड़ताल की और 2 घंटे तक जूनियर डॉक्टरों ने रूटीन सेवाएं बंद कर विरोध जताया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जूनियर डॉक्टर्स काम बंद करके गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के बाहर सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए। स्टाइपेंड बढ़ाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और इससे पहले जूनियर डॉक्टर पिछले 4 दिन से अपनी मांगों को लेकर काम के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे थे। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि पिछले 1 साल से स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं हुई है, हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए और अपनी मांगों को लेकर हमने ये मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। बीते 4 दिनों से जो जूडा है वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जूडा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसे में ये जो प्रदर्शन है ये प्रदेश स्तरीय किया जा रहा है। यहाँ भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूडा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लगातार तस्वीरों में देखेंगे जो जूडा है वो यहाँ डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो इनकी तरफ से मांगे रखी गई हैं वो क्या हैं और आखिर अगर जो मांगे इनकी तरफ से रखी गई हैं अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में किस तरीके का विरोध प्रदर्शन ये कर सकते हैं। सर, लगातार देखा जा रहा था कि 4 दिन से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आप लोग यहाँ बैठ चुके हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नहीं बैठे हैं। हमें एक सांकेतिक काम बंद किया है 2 घंटे के लिए जो कि 12 बजे तक आज चलेगा। उसके बाद हम सभी अपने कार्य पर लौट जाएंगे। हमें यह शासन एवं प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे हित में जो सकारात्मक अभी तक हमारी उनसे चर्चा हुई है उसके नतीजतन अभी हमें हमारे लिए जो एक है पॉजिटिव और एक ऑर्डर निकल जाएगा। परंतु अगर ऑर्डर नहीं निकलता है तो फिर पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे जूडा मध्य प्रदेश के, वह एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा वह बता दिया जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट हैं या अगर किसी तरीके की कोई भी तत्कालीन इमरजेंसी होती है तो क्या करेंगे? इमरजेंसी सर्विसेज चल रही, स्टार्ट हैं, उनको रोका नहीं गया। सिर्फ OPD वो भी 10 बजे से 2 बजे के लिए सांकेतिक रूप से बंद किया गया है। इमरजेंसी चल रही, HDU, ICU, हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज अभी। अच्छा, यहाँ हमीदिया के करीब करीब कितने जूडा इस वक्त प्रदर्शन पे होंगे? करीब करीब 400 से 500 के बीच जूडा भी है। और अगर आप लोगों की मांगे जो है वो प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई तो फिर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, जैसे कि हम बताया है कि शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक हमें मांगे हमारी पूरी कर ली जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर JDA के जो पदाधिकारी हैं वो मीटिंग करके आगे की रणनीति जो है वो साझा करेंगे। तो देखा आपने कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश स्तरीय जूडा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसका नतीजा यही एक है कि 5 सूत्रीय जो उनकी मांगे हैं जैसे कि स्टाइपेंड बढ़ाना, रूरल बॉन्ड को ख़त्म करना, ऐसी मांगों को लेकर लगातार उनकी तरफ से जो है वो विरोध किया जा रहा है। और अगर आने वाले दिनों में ये विरोध अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं